Hello students, my name is Gaurav and you are watching my YouTube channel The Students Platform. Our today's lesson is वह चिड़िया जो. आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है पाठ एक वह चिड़िया जो कविता पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते इस चिड़िया को, इस कविता को. वह चिड़िया जो चोच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया. नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है. वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है. वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है. अब हम जानते हैं आगे. वह चिड़िया जो चोच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गड़बिली चिड़िया. नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है. इस कविता को लिखे हैं केदारनाथ अग्रवाल ने. कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं. जानते हैं ये कविता में क्या कहना चाह रहे हैं कवि. कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है. वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है. वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोग गाती है. मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है वह उफनती नदी के विषय में. जानकर भी जल को मोती से बूंदों को चोच में भर लाती है. उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है. कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है. तो अब समझ में आया कि कविता का सारांश एक तरह से लिख दिया है यहाँ पे इस किताब में. कि उन कवि ने क्या बताया है कि उसको जो चिड़िया है स्वभाव में नीलो पंख वाली एक छोटी चिड़िया है. यानी कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में, कवि के स्वभाव में क्या है, एक नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है. वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है. वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोग गाती है. मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है. वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती से बूंदों को चोच में भर लाती है. उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है. कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है. अब हम जानते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में, प्रश्न अभ्यास के बारे में. कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ. तो ये तो ड्रॉइंग का काम है, आपको कागज पर बनाना है जिस चिड़िया को. तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे. उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो. तो आप ही बताओ कि इस कविता के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है. प्यारी चिड़िया, ऐसे इसका नाम है वह चिड़िया जो. तो मैं यहाँ पे इसका शीर्षक चाहूँ तो प्यारी चिड़िया, या फिर बच्चे अगर आपको कोई दूसरा अगर टाइटल लग रहा है तो आप उसे भी दे सकते हो. ठीक है, तो ये रहा. उसके बाद तीसरी क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पे बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है. तो भाई चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है. चिड़िया को बहुत चीज़ों से प्यार है. तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया है, चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार करती है. तो अन्न से बहुत प्यार करती है, और फिर वो गाना गाती है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करती है. एकांत में उमंग से रहती है. उफनती नदी के विषय में भी जानकर भी मोती से बूंदों को चोच में भर कर लाती है. तो खास करके अन्न से प्यार करती है चिड़िया. क्या क्या चीज़ से प्यार करती है. अन्न से प्यार करती है, अपने दोस्तों के बीच में रहने चाहती है. मुझे विजन से बहुत प्यार है. तो पहला नंबर तो अन्न से प्यार है. देखिए यहाँ पर मुझे अन्न से बहुत प्यार है. पहला नंबर में लिखता है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है. ठीक है, पहला नंबर में क्या लिखता है, मुझे अन्न से प्यार है. दूसरा नंबर में देखिए, मुझे विजन से बहुत प्यार है. मुझे विजन से बहुत प्यार है. तीसरा नंबर में देखिए और कहीं लिखता है, मुझे नदी से बहुत प्यार है. मुझे नदी से बहुत प्यार है. तो इन तीन चीज़ों को से प्यार है चिड़िया को. क्या क्या चीज़ों से प्यार है. पहला अन्न से, विजन से, और तीसरा नदी से. चलिए आगे और कोई क्वेश्चन दिए गए हैं. वह चिड़िया जो, आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है. रस उड़ेल कर गा लेती है. चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है. इसका मतलब है कि चिड़िया जो है अपने समूह में जी भर के खुल कर गाती है. चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है. अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ यहाँ आशय में दिया है.
वह उफनती नदी के विषय में जानकर, मतलब वह नदी कितना खतरनाक है इसके बारे में जानकर भी जल की मोती से बूंदों को चोंच में भर ले जाती हैं। यही इसका मतलब है, जल का मोती ले जाती हैं। अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। अब भारतीय पक्षी एक पुस्तक है, उसे आप देख सकते हैं। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, तो मैना का, कौवा का, बत्तख, ये सब आपको लिखना है कि चोंच कैसा है, शरीर कैसा है। तो कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हो, अब कल्पना से कविता का कुछ नए बंध जोड़ो। तो आपको ये खुद से करना है। तुम भी ऐसे कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएँ मुझ में हैं। फूल के पहले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं से गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। भाषा की बात करें तो पंखों वाली चिड़िया नीले पंखों वाली, ऊपर वाली दराज सबसे, तो इसमें क्या कहना है? यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। यह शब्द चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष है। रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष है। चिड़िया विशेष कह सकते हैं, एक तरह से संज्ञा, जिसकी विशेषता बताया जाए वह विशेष है। तो पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली विशेषण हो गया, और चिड़िया जिसकी विशेषता बताया जा रहा है। कौन है पंखों वाली? तो चिड़िया है। तो पंखों वाली हो गया आपका विशेषण, चिड़िया हो गया विशेष, नीले पंखों वाली विशेषण और चिड़िया हो गया विशेष, ऊपर वाली विशेषण, सबसे ऊपर वाली विशेषण और दराज हो गया विशेष। तो मोरों वाला बाघ, बाघ हो गया विशेष, मोरों वाला हो गया विशेषण, पेरों वाला, तो पेरों वाला हो गया विशेषण, घर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। इसमें क्या पूछ रहा है कविता? इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की ओर, दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। रुचि से खा लेती है वह चिड़िया जो रस उड़ेलकर गा लेती है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। नीचे दिए गए वाक्य में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। क्रिया विशेषण का मतलब हो गया कि जो क्रिया की विशेषता बताए या क्रिया के बारे में कुछ बोले। तो खा लेती है, मुंह में लड्डू ठूसने लगी, कैसे ठूसने लगी, ये तीन चीज़ बताता है, कैसे, कब और कहाँ। ये चीज़ क्रिया विशेषण बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण ऐसे आपको बताता है कि ये हाउ, कैसे हुआ कोई काम, उसका उत्तर देता है, कब हुआ उसका उत्तर देता है, और कहाँ हुआ इसका भी उत्तर हुआ देता है। तो भाई कैसे खाती हैं? तो जल्दी जल्दी खाती है, तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण हो गया। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, चली गई, कैसे गई? तो लुढ़कते हुए गई, तो क्रिया विशेषण लुढ़कती हो गया। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, होने लगा वर्ब है, क्रिया है, कैसे होने लगा? धीरे धीरे, स्लोली। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, गिरी कैसे गिरी? धप से, तो धप से क्रिया विशेषण हो गया। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, झपटा क्रिया है, कैसे? फुर्ती से, तो फुर्ती से हो गया आपका क्रिया विशेषण। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, बैठ गया क्रिया है, कैसे? तो सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, बढ़ गई, कैसे बढ़ी? अचानक बढ़ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे बच्चों। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में क्वेश्चन आंसर और सारे कुछ आपके लिए अवेलेबल करा सके। आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।